गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। सो सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 1 को टच किया क्योंकि वो अलग टॉपिक से था। क्वेश्चन नंबर 4 एक अलग टॉपिक से था। अब आया क्वेश्चन नंबर 6 और 7, बिलोंग्स टू लॉस इन वेट एंड सेल ऑफ स्क्रैप, है ना। तो मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि प्रोसेस से रिलेटेड सारा फॉर्मेट का वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ, है ना। अब मैं उसी फॉर्मेट के बेस पे आपको सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो मैं आशा करूँगा कि आप इसको समझने से पहले उस फॉर्मेट को जरूर एक बार समझ लेंगे, है ना। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट ऑफ एन आर्टिकल। मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। 5% ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉर्मली वेस्टेज, यानी कि आप जितना प्रोडक्ट लगाते हैं उसका 5% जो है वो नॉर्मल वेस्टेज होगा। एंड वेस्ट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। और ये भी बोल दे रहा है कि जो नॉर्मल वेस्टेज है आप उसको ₹2 पर यूनिट करके बेचते हो। फाइंड आउट द अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल वेस्टेज एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिमेनिंग यूनिट। ऑल्सो प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो मैंने इस क्वेश्चन में नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट नहीं बनाया, केवल प्रोसेस अकाउंट बनाया है। तो हम लोग देखते हैं प्रोसेस अकाउंट में कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 का प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं। प्रोसेस अकाउंट स्टार्ट हुआ 100 यूनिट मटेरियल जिसका कॉस्ट था 2000, लेबर 1500, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500। नॉर्मल वेस्टेज जितना भी यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ उसका 5% यानी कि 5, और इसको ₹2 पर यूनिट करके बेचा जा रहा है। नॉर्मल वेस्टेज को ₹10, इसलिए 100 यूनिट का कॉस्ट यहाँ दिखा रहा है 4000। बट जब आप 4000 से ₹10 माइनस करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल वेस्टेज से बिका हुआ पैसा है, आप उसको जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 3990। और आपका टोटल यूनिट से माइनस हो जाएगा नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट, तो यहाँ आपका बचेगा 95 यूनिट। तो अब हम लोगों को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो बाय फिनिश स्टॉक करके 3990 डिवाइडेड बाय 95, तो ₹42 पर यूनिट हमारा आंसर आएगा। थैंक यू।